जय हिंद दोस्तों, एक FLT स्टार्ट करते हैं हम लोग आज डिस्कशन की। ठीक है, दो दिन से मिस हो गई थी तो अपलोड कर लेंगे उसको, कहीं ना कहीं कंपनसेंट कर लेंगे अपन, मैं ज़्यादा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? तो अगर आपको इंटीग्रिटी का डिक्शनरी मीनिंग भी पता है, इंटीग्रिटी का मीनिंग पता है, तो आप इसका आंसर ईजी लगा लोगे। इसका आंसर है डी, सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। ठीक है, और इंग्लिश में भी आप लोग देख ही सकते हैं तो दोनों में विजिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखो, अपना त्यागपत्र देंगे केंद्र सरकार को। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना CBI की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल फुल जिस दिन होता उस दिन हुई थी, 1 अप्रैल को। ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया है क्योंकि इन्होंने ईयर के साथ साथ तारीख भी पूछ ली है। ठीक है, तो अप्रैल फुल बना रही है CBI 63 के सन से। ठीक है, पुरानी संस्था है लेकिन सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आ सकती है। निम्नलिखित में से किस एक परिस्थिति अन्य तिथियों से भिन्न है? अन्य एक परिस्थिति अन्य तिथियों से भिन्न है, तो जाति आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। ये तीनों के तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निर्वाचन आयोग 324 में, वित्त आयोग 280 में और NCBC आप लोग जानते हैं 338 वाले आर्टिकल्स में, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी बॉडी है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। वर्तमान में राजनीतिक दलों की संख्या जो है, नेशनल पार्टीज पूछ रहा है ये। ठीक है, तो 8 है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी टफ क्वेश्चन, मतलब याद तिथियाँ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आंसर इसका 20 नवंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट्स। भारत में महालेखा परीक्षक सर्वप्रथम किस वायसराय के इसमें हुआ था? तो रिपन के टाइम पे, गुड गवर्नेंस के थे ये, कैनिंग के टाइम पे हुआ था ये, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैनिंग के समय पे महालेखा परीक्षक का पद जो है सृजित हुआ था। लिट्टन आप लोग जानते हैं, प्रेस फ्रीडम से संबंधित। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मंत्रालय वैसे मैंने कभी पढ़ने में तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है एग्जिस्टेंस हो इसका, मध्य प्रदेश कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कभी पढ़ने में नहीं आया है लेकिन हो सकता है, और जनरल मतलब इजी क्वेश्चन कैटेगरी में था ये, इजीली हो जाता क्योंकि कार्मिक मंत्रालय हम केंद्र के टाइम पे पढ़ते ही हैं कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और UPSC वगैरह इसको रिपोर्ट करती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी हैं लेकिन इनके साथ में काम करती हैं। ठीक है, अंतर्गत एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इनके अंडर, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन इनके समन्वय के साथ काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो भोजन के भंडारण स्थिति को प्रभावित करता है? तो सभी का उल्लेख, ऑल ऑफ द अबाव है इसका उत्तर। कच्चे माल का प्रकार, किए जाने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग पे से क्वेश्चन था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है बताना है? कौन सा कथन सही नहीं, सही है बताना है आपको। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर जो होगा। कोई भी मंत्री सांसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है भैया, मंत्री अंतरी के पास इतनी पावर थोड़ी ना है, CAG बहुत बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, और उसको खुद के इंडिपेंडेंस है अपने काम के लिए, तो वो किसी मंत्री को ये रिप्रेजेंट थोड़ी ना करेगा उसको। तो ये ऑप्शन गलत है लेकिन क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा उसके हिसाब से सही है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो बाकी ऑप्शन आपको सारे जो हैं वो गलत लगेंगे। 62 नहीं होता, 65 वर्ष होता है। सांसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा हटा जाता है, और राष्ट्रपति के प्लेजर के लिए नहीं काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन था, समझ में आ जाएगा आपके। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भ में वर्णित निषाद जाति का उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, लेटर वैदिक एज से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, निषाद ट्राइब वही हैं जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वाला जो जंगल वाला रीजन आता है ना, ये जैसे मध्य प्रदेश है, तो ये पश्चिम पूर्वी मध्य प्रदेश वाले जंगल में मिल जाएंगी आपको। भरूत स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित का कथन असत्य बताना है भैया, असत्य कौन सा है? तो सारे कथन असत्य। स्तूप का रंग हीन बलुआ, रंगीन बलुआ मुश्किल से मिलता है। स्तूप की रेलिंग सादगी का प्रतीक है। अशोक के समय स्तूप का विकास नहीं हुआ था, किसी और के टाइम पे हुआ था। वर्तमान में सेबी के प्रमुख कौन है? तो अजय त्यागी साहब है। वर्तमान में शिल्पकला एवं उसके प्रसिद्ध केंद्र का सही चुनाव पीतल शिल्प नरसिंहपुर में मिलेगा, धातु शिल्प सतना में मिलेगा, रेखा शिल्प रीवा में मिलेगा। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है, तो आप लोग इसको याद ही कर लो। ठीक है, धातु शिल्प सतना के लिए तो फेमस है, बाकी ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हरदा जिले में प्रसिद्ध तेली की सराय, सराई जो होती है धर्मशाला, मुगल के टाइम का वर्ड है ये, धर्मशाला या रुकने वाली जो जगह रहती है उनको सराई बोला जाता है। तो हांडिया करके जगह, एक हांडिया करके जगह, चंदेरी तो जिला ही है, सिवनी भी जिला, नेमावर इंदौर की तरफ आता है। ठीक है, तो हरदा जिले में हांडिया पड़ता है,
वहाँ पे तेले की सराई आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का आदर्श वाक्य क्या है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास का आदर्श सातुल्य भारत का हृदय है। ठीक है, टीवी वगैरह पे एड आपने देखे ही होंगे। इसमें आलाखंड किसकी रचना है? तो जागनिक की रचना है। सिंपल, बुंदेलखंड के दो आला और उदल बेहतरीन योद्धा थे, उनके ऊपर, उनके वर्चस्व के ऊपर। कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बेगा जनजाति मानती है। ठीक है, अपने आप को द्रविड़ों का वंशज। और कहाँ पे मिलेगी आपको ये? भील जाति जनजाति इधर मिलेगी, कोरकू इधर मिल जाएगी, और बेगा इधर साइड मिल जाएगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मुंडा, उराव, संथाली आपको झारखंड उड़ीसा में मिल जाएगी। बेगा, सहरिया, गोंड आपको मेनली मध्य प्रदेश में मिलेगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, संथाल अगेन आ गई इधर, इधर उराव आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा मर्दान सिंह जूदेव महारानी लक्ष्मीबाई की सक्रिय सहयोगी राजा थे, कहाँ के थे ये? तो भानपुर के राजा थे ये। रानी लक्ष्मीबाई की इनकी मदद करी थी, और रानी लक्ष्मीबाई की महिला सहायक कौन थी? झलकारी बाई। ठीक है, ये तो सब लोग जानते ही, पढ़ते भी हैं। मर्दान सिंह जूदेव के बारे में जानकारी नहीं थी, तो भानपुर के राजा थे ये। अच्छा क्वेश्चन था ये। तैतृय ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, MPPSC में आए हुए हैं ब्राह्मणों पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है पंचवश, पंचवद या पंचवश। ठीक है, ऋग्वेद के आपके ऐत्री ब्राह्मण। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्राह्मणों पे क्वेश्चन आते हैं। ब्राह्मण जो रहते हैं वो वेदों के टाइप में ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहते हैं, ये किताब रहती है। ठीक है, बुक्स रहती है। तो वेदों के बाद वेदों से इनका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनसली वेदों के साथ काम पड़ी जाती है इनको, मतलब वेदों से इनका रिलेशन रहता है, सिंपली अगर अपन समझे तो। भारतीय सामाजिक सुधार पत्रिका मिरातुल अखबार जो थी वो राम मोहन राय ने लिखी थी, और शायद इनकी पहला अखबार था इनका। ठीक है, गाथा सप्तिसी किसकी रचना है? तो हाल की रचना है, मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित है। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कथन सत्य है? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति नहीं खोली थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल। प्रफुल्ल चाकी ने HRA की नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने करी थी। सूर्य सेन ने दूसरा खोला था, और चटगांव रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से थे ये। ठीक है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो चिश्ती सिलसिला जो है वो अजमेर में से शुरू हुआ था। मुनुद्दीन चिश्ती शानदार सूफी फकीर है, बहुत फेमस दरगाह इनकी। मौका मिली है तो जाइए आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ठीक है, महात्मा गांधी में संबंध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका में खोला था। ठीक है, साबरमती भारत में खोला था, तो इस वजह से सिंपली ये तो पता ही रहता है सबको। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा इसका उत्तर है पहली बात तो, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो सब में आपको कहीं ना कहीं फारस की पर्शियन आर्ट तो मिली जाएगी। ठीक है, पर्शियन आर्ट में क्या होता है कि ऐसे मीनारें होती हैं और एक्यूरेट होता है ऐसा करके, तो वो सब में मिल जाती, लेकिन उत्तर हुमायूं का मकबरा ही है इसका। ठीक है, मतलब मेनली हुमायूं के मकबरे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और हुमायूं का मकबरा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है शायद, और शानदार बना हुआ है। और हुमायूं के मकबरे में जहाँ तक जितनी रिसर्च कर गई है तो ये एक व्यक्ति की कब्र नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों की कब्र है, और दो मंजिल की इमारत है जो मकबरा वाला मेन इमारत है। ऐसे तो पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी इमारत है, तो दो मंजिल की इमारत है, तो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे पूरे जो इनके हुमायूं के साथ जो सभी लोग इनके रहते थे परिवार के, और राजमहल में और किले के अंदर, उन सबकी समाधि आपको मिल जाएगी। तो इसमें लगभग 100 के ऊपर समाधियाँ हैं, 100 के ऊपर मतलब वो हैं मकबरे, तो समाधियाँ नहीं मकबरे हैं। ठीक है, तो अब इस पर रिसर्च चल रही है और उत्खनन वगैरह जारी है इसमें, तो आप इसके बारे में वीडियो वगैरह डिस्कवरी के देख सकते हैं। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस, तो ये आपको एक एडिशनल जानकारी मिल गई। आपको ये भी पता, अगर आपको ये भी पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढक्का ने खोली थी। ठीक है, हमारी हिंदू सभा और इन सब के विरोध के चलते एक मुस्लिम की संगठन की भी ज़रूरत थी, तो मुस्लिम लीग ढाका से, अगर आप इसका आंसर ईजिली लगा लेते हैं, मुस्लिम लीग। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी, पहली बात तो चार एंग्लो मैसूर वार जरूर हुए थे, लेकिन इसका उत्तर श्रीरंगपट्टनम की जो है तृतीय एंग्लो मैसूर वार में हुई थी। ठीक है, और ठीक है, हाँ, तृतीय एंग्लो, शुरू के दो एंग्लो मैसूर वार हैदर अली ने लड़े थे, और उसके बाद के दो
टीपू सुल्तान ने लड़े थे, हैदर के लड़के हैं ये। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आप 1.25 पे रखें तो बहुत बढ़िया चलता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आँख रोशनी ले ली। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वो बहुत शानदार लीडर महाराजा रणजीत सिंह, सिखों के बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने तो इतनी पॉजिटिविटी थी कि भैया एक आँख चले गई तो भी एक आँख से भगवान ने एक आँख दी, ऐसा उनका क्या मानना था। तो महाराजा रणजीत सिंह का ये कथन है, और ये क्वेश्चन दूसरी कोई एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, बिहार या UPSC का क्वेश्चन है। अटल सागर परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ग्वालियर में नहीं है, शिवपुरी में ही है, ठीक है। निम्नलिखित नदी में दक्षिण की ओर बहने वाली बहुत ही कम नदियां हैं, तो बालाघाट और सिवनी जिले के आसपास से निकलती है वैनगंगा नदी, तो वैनगंगा उत्तर। इसका ताप्ती पश्चिम की तरफ चले जाएगी, चंबल ऊपर चले जाएगी यमुना में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है, तो मालवा की पठार की जलवायु को कहा जाता है सम जलवायु, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन स्थान 1982 में बना था, भोपाल के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है, तो मैंगनीज और हीरा उत्पादन वगैरह में मध्य प्रदेश अभी पहले नंबर पर चल रहा है, ठीक है। मैं इसको नेट पर करंट डाटा के साथ चेक कर चुका हूँ, तो पहले नंबर पर ही आएगा, दूसरे नंबर पर अभी महाराष्ट्र है और तीसरे पर उड़ीसा है, ठीक है। तो मैं चेक कर चुका हूँ इसको, तो मैंगनीज में पहले ही आएगा, आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य तो गुजरात है, और गुजरात के बारे में ये भी बता दूं कि इसकी कोस्ट लाइन भी सबसे बड़ी है, ठीक है। उसका कारण ये कि इसे घुमावदार होने की वजह से इनकी सीमा बढ़ जाती है, तो ऊपर का जो ये हिस्सा, इसको कच्छ बोलते हैं और इसको बोलता है कथईवाड़, कच्छ और कथईवाड़ का प्लेट्यू। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है, तो लंदन में दर्शक, तो लंदन का टाइम जो है थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, तो उसका आंसर 4:30 हो जाएगा। और मतलब ऐसा रहता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, तो हम इधर की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ, तो हम टाइम कम होता है, और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के रिस्पेक्ट में। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ता है, तो ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये चीन के साथ जोड़ती है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश के साथ। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो एस्टोनोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर तो हम लोग जिस पर रहते हैं वही, और उसके नीचे आती है एस्टोनोस्फीयर की प्लेट, ठीक है। तो उसमें आपको मेनली लावा वगैरह की एक्टिविटी मिल जाएगी, तो एस्टोनोस्फीयर में ही भूतापीय ऊर्जा यहीं से ली जाती है हम लोग, ठीक है, मतलब आती है। अटाकामा डेजर्ट आपको दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगा, यूरोप में नहीं है, ठीक है। एशिया में तो हमारा थार है, और उधर मंगोलिया वगैरह का है। ब्राज़ील में कहावा विशाल बाग कहा जाते हैं फजेंडा, ये NCERT में भी मिल जाएगा आपको, ये फैक्ट दिया हुआ है पीछे साइड, ठीक है। कौन सा महासागर महासागर या मरुभूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद आपको पता नहीं है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट, बायोलॉजिकल डेजर्ट इंग्लिश में शायद टाइप नहीं हुआ बराबर, तो बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जाता है सरगासो सी को, ठीक है। और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लैंकटन्स जो रहते हैं वो समुद्र में ख़त्म हो जाते हैं, तो सूखे टाइप हो जाता है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया फेमसली बायोलॉजिकल डेजर्ट्स, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्स विद इन कंट्री, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा भाग 13 जो है, भाग 13 इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपको पार्ट वगैरह तो रटना ही है, 22 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल है, ठीक है, अब तो 12 शेड्यूल हो गई, और 395 आर्टिकल ओरिजिनल में थे, ये ओरिजिनल की बात बता रहा हूँ आपको, अब 400+ हो चुके हैं आर्टिकल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति, देखो ड्राफ्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको शायद पता नहीं हो, चेयरमैन कौन था स्पेशल कमेटी का, विशेष समिति का, जिसने ड्राफ्ट कमेटी को एग्जामिन करने के लिए, जांच के लिए बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हमको पता डॉक्टर अम्बेडकर, और जो विशेष समिति इसकी जाँच के लिए बनी थी उसके अध्यक्ष सर अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ये साउथ से आते थे, और ये मद्रास स्टेट में भी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं ये, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़, अच्छा फैक्ट था एक। उसके बाद लोकसभा में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है, तो चुनाव आयोग लोकसभा स्पीकर के चुनाव नहीं कराता है, जो लोकसभा का स्पीकर रहता है वो उन्हीं सदस्यों में सदस्य ही उसको चुनते हैं, ठीक है, अमंगेस्ट द मेम्बर ही रहता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में भाग नहीं लिया, तो चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद का सामना ही नहीं कर पाए, उसके पहले इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखो पंचायत है तो पंचायत कहाँ पे होगी? राज्य में होगी, केंद्र में तो होगी नहीं, ठीक है। और राज्य में कौन काम करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल अपॉइंट करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल काम है तो यही काम के लिए राज्यपाल है और केंद्र में राष्ट्रपति है। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में समानता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, जो भारत में अभी आपको देखने को मिल जाएगा लॉकडाउन की वजह से, तो और ज़्यादा कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इसका आंसर आय में असमानता है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, आपने अलग ही देख लिया होगा कि लॉकडाउन में वो और रिच हो गए और गरीब हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा आय का असमानता है। तो मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आंसर इसका यही होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू खात और स्थिर मूल्य दोनों के आधार पर की जाती है, ठीक है, करंट अकाउंट और करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस दोनों पे। कांस्टेंट प्राइसेस को ईयर को एक कांस्टेंट मान के कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। विश्व में बतौर कप्तान सबसे तेज रन बनने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मनुष्य की राल RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 4 महीने लगभग। कौन सा वायरस चिकन पॉक्स के कारण होता है? तो रूबेला वायरस जो है वो अलग चीज़ है, रेबीज कुत्ते की वजह से होता है, ठीक है। तो आंसर इसका वेरसिला जोस्टर वायरस होगा। ये अभी अच्छा क्वेश्चन था। एक मार्क क्या दर्शाता? तो एक मार्क आपने देखा होगा खाने के फूड प्रोडक्ट पे रहता है और FSSAI जनरली इसके ऊपर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन हेतु मानक, ये स्टैंडर्ड है ये फूड प्रोडक्ट के लिए। गैस का रिसाव पता लगाने के लिए मदद के लिए निम्न से कौन सी महक एजेंट LPG सिलेंडर में छोड़ा जाता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये जनरल प्रिंसिपल और डेली लाइफ वाले साइंस पे क्वेश्चन था। तो थायोइथेनॉल एक गैस रहती है, उसको LPG के साथ जोड़ते हैं तो लीक होता है, तो स्मेल आती है, तो पता चलता है कि भैया लीक हो गया है करके, ठीक है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए थैंक्स मॉम अभियान का संबंध वृक्षारोपण से, पर्यावरण को हम थैंक्स बोल रहे हैं और माँ से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक खाद प्रसंस्करण का उदाहरण, इसमें मेरे को डाउट है फल और चावल दोनों में, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि तीन टाइप में होता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी में एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ तो गेहूँ अगर हमारे पास है तो बस हमारे हाथ में है गेहूँ, तो प्राइमरी क्या है उसमें आ गया। और गेहूँ से अगर आटा बनाया तो सेकेंडरी हो गया, और फिर आटे से हमने अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाया बिस्किट वगैरह और कुछ प्रोडक्ट बनाया तो टर्शरी आ गया, तो ठीक है। तो फल भी इसमें आ सकता था और चावल भी इसमें आ सकता था, तो आंसर मतलब ज़्यादा सूटेबल चावल को ही माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर चावल और फल, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन टफ थे लेकिन ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानव प्राधिकरण की स्थापना 2008, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानव प्राधिकरण वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो रिया तोयोतिया, FSSAI, ठीक है। फूड ह्यूमन नहीं आएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आएगा, FSSAI 2008 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। कोरोना वायरस का डेल्टा वर्जन आप लोग जानते हैं, म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं सारे, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, XYZ, ABCD, MPPSC। जुगाली करने वाले जानवरों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही रहती है डेड जानवरों में, क्या इसमें इनफेक्ट इंसानों में भी रहता ही ये पार्ट इसका, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? तो उषा राजे सिंधिया जो हैं, खेल मंत्री हैं, बिसाऊ लाल सिंह इसका उत्तर है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षण हेतु योजना कौन सी है? तो इंतजार आपका है, दो क्वेश्चन आ गए टूरिज्म पे, एक ऊपर भी था हमने देखा था। जैविक कृषि करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, कौन बन गया है? लक्षद्वीप बन गया है। और स्टेट कौन सा है? तो सिक्किम, स्टेट कौन सा है? सिक्किम, और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 142वां रहा। ये टफ क्वेश्चन हो जाते हैं सर, ठीक है। हाल ही में किस भारतीयों को IG नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आयोजित G20 देशों में पर्यावरण मंत्री, तो अगर आपको ये भी पता है कि हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है केंद्र के, तो प्रकाश जावड़ेकर, आप इसका उत्तर लगा लेते हैं। बिलीव पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की दूसरी किताब है जिस पर मूवी बनी है। महेंद्र सिंह धोनी ने शायद अभी कुछ लिखा नहीं है, विराट कोहली ने भी नहीं लिखा है। 2021 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इनके आंसर के हिसाब से ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा देवास हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और जनरली तो भोपाल में होता है हिंदी सम्मेलन,
लेकिन 21 का कहाँ पे होने वाला है? देवास में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे। उनकी मौत के बाद ग्वालियर ज़िले से वो आते थे तो उनके सम्मान में, ठीक है। शानदार नेता, भारत का ऐसा एकमात्र पीएम थे जिन्होंने बहुत शानदार योगदान दिए भारत की राजनीति में, ठीक है। मतलब सारे पीएम एक तरफ और अटल बिहारी एक तरफ। हाल ही में चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की नासा ने किसको चयन किया? तो नोकिया को किया हुआ है, ठीक है। वीवो और वन प्लस चाइना की कंपनियाँ हैं तो इनको तो साइड में ही रखेंगे। नोकिया और सैमसंग साउथ कोरिया की है। हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैनशिप मिली है? तो 35 वर्षों की। तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि चेयरमैनशिप मिल भी जाती, इतने 30 साल में नहीं भी मिली तो कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN की संस्था है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर वो होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिलता है या हम आउटपुट देते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर मतलब कि हार्डवेयर है वो भैया, हार्ड फॉर्म में आपके पास कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन मापा जाता है, रिजोल्यूशन मापा जाता है पिक्सल की संख्या से। रिजोल्यूशन वो होता है कि उससे कितनी पिक्चर क्लियर दिख रही है। तो रिजोल्यूशन रहता है 720, 480, 320, ये सब रिजोल्यूशन पर आप मूवी देखते ही हो, यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहे होंगे, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उपयोग किया जाता है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज़ करी जाती थी, और सेकंड में थोड़ा सा ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ हुए, थर्ड में IC चिप यूज़ हुई, और फोर्थ में फाइनली VLSI यूज़ हुआ। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दबाना। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मोबाइल की, हमारा मोबाइल इतनी सारी चीज़ें कर लेता है उसमें, तो बहुत VLSI का ULSI भी होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मोबाइल और टेबलेट PC कंप्यूटर में ये सब यूज़ होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना बारीक नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको कि आपके बाल के 10,000वें हिस्से जितनी टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है। तो VLSI आएगा उसका उत्तर। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो आगे चलते हैं, भीम ऐप तो बता ही दोगे आप, डिजिटल भुगतान से संबंधित है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का भारत के किसके साथ? तो भूटान के साथ किया है। IIT का भी कुछ इसमें कोलेब्रेशन है, बहुत सारे IIT का। राष्ट्रीय नेशनल नॉलेज नेटवर्क बोलते हैं इंग्लिश में। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 23वां आयोजन महाराष्ट्र में कब किया गया? टफ क्वेश्चन थे इस प्रकार के, ये तो मतलब पता नहीं क्यों डाल, मतलब पेपर टफ बनाने के लिए से क्वेश्चन होते हैं। गूगल क्रोम आप सब लोग चलाते ही हैं, तो ब्राउज़र है वो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। गूगल क्रोम ब्राउज़र और गूगल सर्च इंजन है। कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभज्ञता। तो इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप साइबर अपराधी बन सकते हो। मॉडम परिवर्तित करता है, मॉडम क्या रहता है कि मॉडम दोनों जगह पर लगा होता है, ठीक है। जहाँ से आप सिग्नल लेते हो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के, और जब आप यहाँ से कुछ भेजते हो तो ये कन्वर्ट करके वापस एनालॉग में भेजता है, और जो रिसीवर रहता है वहाँ पे भी एक मॉडम लगा होता है। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोनों यूज़ करता है वो। अब तो खैर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। मध्य प्रदेश के नागवंश के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। असत्य जो होगा इसमें देख लेते हैं, इस वंश का संस्थापक वृषनाग था, ये तो पता ही होता है सबको, मतलब मोटा मोटा। वृषनाग के सिक्के विदिशा से मिले। नागवंश की राजधानी पद्मावती थी। पद्मावती बोले तो ग्वालियर का पुराना नाम है ये, ठीक है। तो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में इनका काम दिखेगा आपको। तो वायु पुराण में नागवशक के उल्लेख नहीं मिले थे, ये असत्य है। कोविशील्ड किस देश की है? तो UK की कोविशील्ड है, ठीक है। और एस्ट्राजेनिका कंपनी है मेन, इसकी पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनिका है जो UK बेस्ड है, और उसने सीरम इंस्टीट्यूट भारत के साथ संबंध किया है, तो उसके तहत हमको ये मिल रही है, ठीक है। और कोवैक्सीन जो है वो स्वदेशी है भारत की। सरमपुरीय वंश के शासक किस धर्म से संबंधित थे? तो भागवत धर्म से संबंधित है। टफ क्वेश्चन अंदर के कल्चर का। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई थी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में निम्नलिखित किस नदी का उद्गम नहीं होता है? तो नर्मदा आप लोग जानते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोन भी वहीं से निकलती है, और बेतवा देखो ऊपर की पूछ रहा है वो, ऊपर आती हमारी विंध्याचल और नीचे आती सतपुड़ा। तो नर्मदा, सोन, ताप, बेतवा, ये सारी जो हैं, बेतवा आती कुमरा गांव रायसेन से, तो यहाँ पे सब पे लग जाती है। कौन सी लग जाती है?
विंध्याचल पर्वत में नदी का उद्गम नहीं होता है पूछ रहा हो, ठीक है। तो ये सारी जो है सतपुरा नदी से आती हैं, ठीक है। रायसेन भी आप लोग जानते हैं, सतपुरा का ही पार्ट लगता है, सॉरी विंध्याचल से होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको, आप तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। विंध्याचल पर्वत में निम्न से किस नदी का उद्गम नहीं होता है, तो विंध्याचल हमारी ऊपर की श्रेणी, नीचे सतपुड़ा, तो ताप्ती नदी का उद्गम नहीं होता, ठीक है। ताप्ती का जो है सतपुड़ा से होता है, सिंपल। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा, कछारी मिट्टी बोले तो एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल आपको मिल जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारे मालवा निमाड़ा में आपको मिल जाएगी काली सॉइल, ठीक है। और यहाँ थोड़े पश्चिमी साइड में भी काली सॉइल मिल जाएगी। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में आपको चंबल नदी की वजह से कौन सी मिल जाएगी, और यहाँ पे इसलिए नहीं मिलती एलुवियल क्योंकि रिफ्ट वैली बनती है, वो तो उसकी वजह से नहीं मिल पाती होगी, ठीक है। तो 87 का आंसर उत्तरी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये एक टफ क्वेश्चन हो सकता था, 1978 में हुई है। कौशल्या योजना कब शुरू की गई थी, कौशल्या योजना शुरू की गई थी 18 अप्रैल 2017। लोक अदालत की शुरुआत, ये भी टफ क्वेश्चन है, तीनों टफ क्वेश्चन थे इनफैक्ट चारों। तो मध्य प्रदेश की लोक अदालत की शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल 1986 को, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था लागू की गई थी, कब लागू की गई थी भैया, तो रूरल सेक्रेटेरिएट, मतलब ग्रामीणों के लिए एक पूरी ऑफिशियल हायरार्की का जो सेटअप होता है उसको ग्रामीण सचिवालय बोलते थे 1965 में। आपदाग्रस्त जनजाति में शामिल नहीं है, तो बाहरिया नहीं है, ठीक है, बाकी सारी आपदाग्रस्त है। डोंगरदेव और बटुआ देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो इसका उत्तर कोरकू हो जाएगा, डोंगरदेव और बटुआ, ठीक है, कोरकू ही है ये। मोस्ते किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है, ये भी टफ क्वेश्चन कल्चर का, मोस्ते जो है बघेलखंड का है, ठीक है, चित्रकला है मोस्ते बघेलखंड की है। यहाँ पे कौन सी नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है, तो केहर नृत्य की है, ये भी टफ क्वेश्चन था। तो एमपी के कल्चर के बहुत टफ क्वेश्चन थे ये आखिरी के, ठीक है, पेपर टफ बना दिया इन्होंने इन क्वेश्चनों ने। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो अलाउद्दीन खां बिल्कुल मैहर में होता है, समारोह मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन में होगा, निमाड़ उत्सव खंडवा खरगोन में होगा, द्रुपद समारोह ग्वालियर में नहीं होता है, ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, चटकोरा कोरकू जनजाति करती है, रीना यही करती है बिल्कुल, गोवा नृत्य मुड़िया जनजाति नहीं करती, ठीक है। कौन से रंगकर्मी नहीं है, तो बंसी कोल है, नरहरी पटेल है, विवा मछरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दगजीत स्वामीनाथन का संबंध रंगकर्म से नहीं है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दोनों में नहीं दी जाती, सिर्फ साहित्य में दी जाती है। शहीद मेला कहाँ लगता है, तो सनावत तहसील है शायद खरगोन जिले की, यह जगह है, तो खरगोन में होता है ये काम, शहीद मेला, ठीक है, सनावत में, ठीक है गाइज। तो टेस्ट हमने एफएलटी डिस्कस किया, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि करना है वो कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।